वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको पीटीसी का अपडेट दूंगा और सिग्नल बनाने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि गाइस आप सब लोग ये देख रहे हैं, ये बीटीसी की अपडेट है। इस टाइम बीटीसी 27,225 पे इस टाइम अपडेट कर रहा है। ये 4 घंटे का चार्ट है, इसके ऊपर रजिस्टर है इसकी 27,735 पे। इसके रजिस्टर इसके नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट है इसकी 26,600, सपोर्ट है 26,424 भी इस टाइम इसकी सपोर्ट है। अगर यहाँ से भी गिरता है तो नीचे की सपोर्ट एक से एक सी ये आ रही है 25,000 पे। और गई आज मैं आपको BTC डोमिनियन और अदर मार्केट के बारे में बताऊंगा, जिससे आप खुद भी बाय और सेल कर सकते हैं। जैसा कि गाइस यह है BTC डोमिनेंस, ये इस टाइम ऊपर गई हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं 45.4 पे। इस टाइम BTC डोमिनेंस जितनी ऊपर जाएगी उतना ही हमें फ़ायदा है। और अदर मार्केट का आप कुछ मैं चार्ट दिखाता हूँ 1 डे का, और ये इस टाइम अदर मार्केट इस टाइम गिरी हुई है। अगर BTC की डोमिनेंस ऊपर जाएगी तो अदर मार्केट गिरेगी, अदर मार्केट ऊपर जाएगी और BTC की डोमिनेंस गिरेगी, तो BTC डोमिनेंस बढ़ने का हमें ये फ़ायदा है। आपको इसका रीज़न भी दिखा देता हूँ। ये अदर मार्केट का चार्ट ऊपर गया है, डेट है फरवरी पिछले माह की 19 तारीख है, अदर मार्केट ऊपर थी। और BTC की डोमिनेंस में हम देखते हैं पिछले माह की 19 तारीख, ये देखें ये इस टाइम ऊपर है और यहाँ आके ये गिरी हुई है। ये होता है BTC डोमिनेंस ऊपर जाने का फर्क। जब ऊपर जाए तो हमने बाय करना है, अगर नीचे गिरी हुई BTC डोमिनेंस पे हमने बाय नहीं करना। आज हम सिग्नल भी लेते हैं, 24 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। काफी इस टाइम मार्केट गिरी हुई है, हम कोई अच्छा सा कोइन देखते हैं, फिल का कोइन देखते हैं, इस पे क्या आ रही है अपडेट। जैसा कि ये है फिल का चार्ट, इसकी कुछ सपोर्ट देखते हैं बन रही है कि नहीं। इसकी 51 है RSI सिस्टम, 4 घंटे का चार्ट है। इसके ऊपर जैसे इसके भी बाय सेल नहीं बन रही इस टाइम। अगर 1 घंटा इसका हम खोलें, 1 घंटे का भी नहीं बन रही, और कुछ देख लेते हैं। और अच्छे कौन है, FXX खोल लेते हैं हम, 6% मार्केट गिरी है। और जैसा कि गाइस ये 1 घंटे का चार, हम 4 घंटे का खोलते हैं, ये भी ऊपर जा रहा है। इसकी भी रजिस्ट्रेशन पास ही, ये भी बाय नहीं हम अभी कर सकते इसे। जब मार्केट गिरेगी फिर आपने करना है बाय, इस टाइम मार्केट ऊपर चढ़ी है बड़ी। और देख लेते हैं कोई कॉइन, और 200 लूना कॉइन तो बिल्कुल ही क्रैश कर चुका है, वो तो ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे पास भी $20 के लूना कॉइन थे, इस टाइम होल्ड के पड़े हैं। ICP को देखते हैं,
एटम्स का कोई मार्केट चल रही है, वो बाय हो सकता है। नहीं गाइस, ये भी नहीं बाय हो सकता। इस टाइम कोई ना कोई ये साफ है ना, हम बाय कर सकते ना सेल कर सकते हैं। अभी किस पोजीशन में आए हैं, सेल हो सारे गिर जाएं ऊपर चल जाएं, कोई पता नहीं। मार्केट ही क्रिप्टो मार्केट अच्छे है। लाइट को उनके देख लेते हैं। इसका हम वन डे का चार्ट देखते हैं। वन डे की इसकी आरएसआई है 38, ऊपर इसकी रजिस्टर। दोस्तों अगर आपने इससे बाय करना है तो 79 पे से बाय करना, 79.50 और 79 पे से बाय करें तो अगर लाइटकॉइन का फायदा है। ऊपर इसकी रजिस्टर आ रही है 82 पे, आप इसे सेल कर दें। वैसे तो मेरे को फायदा कोई नहीं इस टाइम कोइनों का हो रहा हूँ। तो गाइस ये रही आज की मार्केट अपडेट। इस टाइम मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ BTC की चार्ट पे। बिटकॉइन इथेरियम ये इसका टेक्निकल मीटर है। इस टाइम ज़्यादातर बाय हो रही है। जब ये सेल पे होए तो हमने बाय करनी है, जब ये बाय पे होए फिर हमने स्ट्रॉन्ग बाय है, हमने अभी इसको बाय नहीं करना। जब सब सेल पे होएंगे, कोई गिरे होएंगे, फिर हमने करना है बाय। अब हमें फ़ायदा है, अगर अब हम कर लेंगे बाय तो बाद में ये मार्केट गिर जाएगी, हमें लॉस होएगा। ओके गाइस, अगली वीडियो पे मिलते हैं। खुदा हाफिज़।